फ्रेंड्स मोस्ट हार्टी वेलकम बैक टू अवर चैनल अकॉर नॉलेज, दिस इज जागृति। एंड फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ अवेस्टिक्स। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो रहने वाला है जिसमें हम लोग ओवीजी जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं नर्सिंग में उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज हमारे एग्जाम्स में आए हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक CHO, AIIMS, CSSB, STPGI, RUHS, ASIC, IGNOU, MNS नर्सिंग, पैरामिलिट्री सर्विसेज, RRBI, कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आवर चैनल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। सो आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज के जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर यू कैन सी, सो विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड ओवेरियन फॉलिकल्स। तो कौन सा हार्मोन जो है वो हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल, जो ओवेरियन फॉलिक्यूल होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर इज़ FHS, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो FHS है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरीज, यानी कि कैलोरीज की कितनी जो है एडिशनल अमाउंट लिया जाए, दैट शुड बी टेकन बाय अ प्रेग्नेंट वूमेन, यानी कि कितना अमाउंट जो अमाउंट ऑफ कैलोरीज है एडिशनल जो कि एक प्रेग्नेंट वूमेन के द्वारा लेना चाहिए एज पर हु, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है एक जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको अमाउंट ऑफ कैलोरी, कितना अमाउंट ऑफ कैलोरी एडिशनल जो है वो कैलोरीज लेना चाहिए, तो वो है 300 किलो कैलोरी जो है वो अकॉर्डिंग टू हु जो है एक प्रेग्नेंट मदर को 300 किलो कैलोरी जो है वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्पॉर्टेंट, व्हेन विल द यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ जिफेस्टर्नम, यानी कि यूट्रस का नॉर्मली जो है वो लेवल ऑफ जिफेस्टर्नम तक की जो यूट्रस होता है वो नॉर्मली कब पहुंचता है, तो वो 32 वीक्स में पहुंचता है या 36 वीक्स में या 40 वीक्स में या 42 वीक्स में, तो करेक्ट ऑप्शन इज 36 वीक्स में जो होता है वो यूट्रस का जो लेवल है वो जिफेस्टर्नम तक पहुंचता है। जिफेस्टर्नम तक की जो है वो यूट्रस नॉर्मली कब पहुँचता है 36 वीक्स में जब ग्रोथ होता है यूट्रस का, यानी कि बेबी का जब ग्रोथ होता है इंट्रायूटराइन लाइफ में, तो जो है धीरे धीरे यूट्रस भी बढ़ता है, तो यूट्रस जो है लेवल ऑफ जिफेस्टर्नम तक की कब तक पहुंचता है, तो वो 36 वीक्स तक की जो है लेवल ऑफ जिफेस्टर्नम तक यूट्रस पहुंचता है 36 वीक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस, फीमेल पेल्विस का हाइएस्ट डायमीटर पूछा है, तो हाइएस्ट डायमीटर को जो है वो फीमेल पेल्विस का कौन सा है, एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर जो फीमेल पेल्विस होती है उसका डायमीटर जो है बहुत हाइएस्ट डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉमनली गिवन टू प्रेग्नेंट मदर, यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनको कॉमनली जो है वैक्सीन दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है, तो टिटनेस जो होता है, टिटनेस की डोज जो है कॉमनली प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फीचर्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड, यानी कि सर्वाइकल कैंसर है, अगर किसी भी मदर को सर्वाइकल कैंसर है तो उसका जो है प्राइमरी फीचर क्या रहता है, प्राइमरी फीचर पूछा है सर्वाइकल कैंसर का, अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर सर्वाइकल कैंसर है तो उसका जो है प्राइमरी फीचर क्या रहेगा, प्राइमरी फीचर आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है, अगर किसी भी मदर को जो है सर्वाइकल कैंसर है तो उसका प्राइमरी फीचर क्या रहेगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, तो पार्शियल प्लेसेंटा यहाँ पे पूछा किसका,
पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट पूछा है। तो पार्शियल प्लेसेंटा का जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट। ये सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपके क्वेश्चन जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो वही क्वेश्चंस को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है जो कि सेलेक्टिव हैं, तो इसलिए डायरेक्टली जो है हम लोग आंसर्स पे ही फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वेट गेन ऑफ एंटीनेटल मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 वीक्स। सो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड वेट गेन है एंटीनेटल मदर, यानी कि एंटीनेटल मदर का एक्सपेक्टेड यानी कि एक्सपेक्ट किया जाने वाला वेट, द एक्सपेक्टेड वेट गेन एंटीनेटल मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 वीक्स। फर्स्ट 20 वीक्स में, फर्स्ट 20 वीक्स के दौरान जो है एंटीनेटल मदर जो है उसका एक्सपेक्टेड वेट गेन पूछा है, तो वो है 2 to 3 kg। क्या है करेक्ट ऑप्शन, 2 to 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फेटल, व्हाट डू यू मीन बाय फेटल मैक्रोसोमिया। तो फेटल मैक्रोसोमिया, यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा है इसका मीन फेटल मैक्रोसोमिया का मतलब क्या है। तो फेटल मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है, बर्थ वेट मोर देन 4.5 kg, यानी किसी भी बेबी का जो है वो 4.5 kg से अगर ज़्यादा वेट है तो दैट इज़ वो बेबी जो कंसिडर क्या किया जाएगा, मैक्रोसोमिया यानी कि अबनॉर्मल यानी कि लार्ज बेबी, जिसका वेट जो है वो 4.5 kg से ज़्यादा है। नॉर्मली जो होता है वो 2.5 to 3 kg होता है नॉर्मली वेट होता है बेबी का, बट अगर 4.5 kg से ज़्यादा हो जाता है तो उसे फेटल मैक्रोसोमिया कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। तो पोस्टपार्टम हैमरेज यानी कि पीपीएच जो है पोस्टपार्टम हैमरेज, उसका कॉमन कॉज पूछा है। तो कॉमन कॉज जो होता है वो एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस की जो टोनिसिटी हो जाती है वो एबसेंट होती है, दैट इज़ एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, तो वो है एक कॉमन कॉज पोस्टपार्टम हैमरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर कैन सी हाउ मच अमाउंट ऑफ टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन करना चाहिए, तो वो का इसमें करेक्ट ऑप्शन है 11 kg, जो है वो 11 kg, यानी कि इसमें करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं 11 kg जो है वो टोटल वेट गेन करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी मदर को कितना वेट गेन करना चाहिए, 11 kg। फर्स्ट 1 kg जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एंड 5 kg जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, नेक्स्ट 5 kg जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो इस टाइप से टोटल 11 kg जो वेट है गेन करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिट्यूटरी हार्मोन इज टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, यानी कि कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रीशन को मेमरी ग्लैंड से। तो मेमरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रीशन को मेमरी ग्लैंड से। किसका ये वर्क है स्टिमुलेट करने का, प्रोलैक्टिन हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर कैन सी विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आफ्टर द 3 month ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 3 month ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका मेन सोर्स क्या रहता है, तो मेन सोर्स रहता है प्लेसेंटा का, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो 12 month में कंप्लीट हो जाता है। प्लेसेंटा जो होता है वो 12 तो वो जो है वो प्लेसेंटा जो होता है 12 days तक की कंप्लीट हो जाता है, इसलिए आफ्टर 3 month ऑफ प्रेगनेंसी जो वर्क रहता है मेन सोर्स होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का, दैट इज प्लेसेंटा, इसमें आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोर्टेलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ स्पर्म। कौन सा टेस्ट जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है क्या फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट एंड एक्टिविटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एक्टिविटी के मतलब कौन सा टेस्ट जो है फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसमें। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा हॉर्नर टेस्ट, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हॉर्नर टेस्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे अगर आपको इसका आंसर पता है। तो इफ़ यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर इज 15, दैट इज़ इन प्रेगनेंसी में नियर टर्म जो है कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूड का जो है कलर नियर टर्म पर
फास्टिंग एंजाइम है क्या होता है। तो इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो देन कमेंट बॉक्स में आप अपने हमारे आंसर को दे सकते हैं। सो आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इसी टाइप से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए CHOAIMS या कोई भी आप नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जो कि डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पे इन्वॉल्व किए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।